ये ताज़ा हरे मटर हम बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं और जब भी मटर का सीज़न आता है मैं इनको प्रिजर्व करके रख लेती हूँ, जिससे मैं काफ़ी लंबे टाइम तक इनको यूज़ कर सकूँ। ये बाज़ार में मिलने वाले फ्रोज़न मटर से कहीं ज़्यादा फ्रेश और टेस्टी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी। तो आइए देखते हैं मटर फ्रीज करने का बहुत ही ईजी सा प्रोसेस। यहाँ पर मैंने 2 किलो मटर लिए थे और उनको अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद ये इतने मटर के दाने हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वाटर है, और अब हम इसको ब्लांच करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने बड़े बर्तन में पानी गर्म किया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून शक्कर या शुगर, इससे मटर का कलर जो है एकदम हरा रहेगा। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, इनको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें मटर को छान के डाल देंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप जो भी ख़राब मटर के दाने हैं उनको पहले से अलग कर दें। अगर ख़राब मटर के दाने इसमें मिक्स हो जाएंगे तो मटर जो है प्रिजर्व करने के लिए ठीक नहीं रहेगी। अब हम इन मटर के दानों को 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पर उबलने देंगे। ये देखिए, मटर को पकाते हुए मुझे 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि सारे मटर जो हैं सर्फेस पर आ गए हैं। हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और आइए अब मैं दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस क्या है। और अब हम इन उबले हुए मटर को पानी में डालेंगे। तो ये जो पानी है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी बर्फ़ या आइस क्यूब्स। इससे क्या होगा कि जो मटर है वो ओवर कुक नहीं होगी और इसका कलर भी बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी आपने देखा, हमने इसमें शुगर डाला था तो उसका कलर ऑलरेडी बहुत ही अच्छा ग्रीन है। अब हम इसको 5 मिनट तक इसी तरह से बर्फ़ के पानी में छोड़ देंगे। मटर को ठंडे पानी में रखे हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखें सारी मटर जो है नीचे सेटल हो गई हैं, तो इसी तरह से होना चाहिए। अब हम एक छन्नी लेंगे और मटर को इस तरह से निकाल लेंगे और इनका पानी कोशिश करके थोड़ा सा अलग कर देंगे। और इनको हम इस तरह से एक कपड़े पे फैला देंगे। इनको हाथ से अच्छे से बस एक लेयर में कर दें आप। और अब आप इसको पंखे के नीचे 2 घंटे के लिए सुखा दें, और बीच में 1-2 बार आप इनको हाथ से ऊपर नीचे कर दें जिससे कि ये एक साथ सूख सकें। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इनको प्रिजर्व कैसे करना है। अब 2 घंटे हो चुके हैं, ये देखें मटर अच्छे से सूख चुकी है। तो ध्यान रखिएगा इसको गीला गीला ना भरें, नहीं तो ये ख़राब हो सकती है। अब हम इस तरह का एक जिप लॉक बैग लेंगे और इसमें मटर को अच्छे से भर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये बैग आप 3/4 ही भरें, पूरा ना भरें। अगर आप फुल बैग भर के मटर को फ्रीज़ करेंगे तो वो ख़राब हो सकती है। तो ये मटर जो है ये सेमी कुक हो चुकी हैं, तो कई रेसिपीज़ में आप इनको इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, और कई रेसिपीज़ में आपको इनको अलग से बॉईल करना पड़ सकता है फिर आप इसको यूज़ करें। तो ये देखिए जिप लॉक बैग को मैंने भर लिया है और हम इसको बंद कर देंगे। तो ये देखिए इतनी मटर से मैंने 2 जिप लॉक बैग तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको उठा के फ्रीज़र में रख देंगे, और जब भी आपका मटर खाने का मन हो आप ये बैग निकालें, थोड़ा सा थॉ करें और जितनी मटर चाहिए उतनी निकालें और फिर बैग को वापस फ्रीज़र में रख दें। तो अब मैं इसको डीप फ्रीज़ कर दूंगी और अगले दिन मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा हो गया है। तो ये देखिए हमारे फ्रोज़न मटर बिल्कुल तैयार हैं। आप भी इस तरह से मटर को प्रिजर्व करके रख लें और बहुत लंबे टाइम तक ये ख़राब नहीं होते हैं। और जब भी आपको मटर किसी सब्ज़ी में या करी में यूज़ करना हो इनको निकालें, थॉ करें और यूज़ करें। तो ट्राई करके देखें, एंड आई होप ये आपको बहुत काम आए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।